तो आओ चलो, वो चले लेके चलती हूँ आपको जागरण में, और चलते हैं। हे एवरीवन, दिस इज मी हिमांशी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो यार, ऐसे मैंने बताया कि जागरण में जा रहे हैं, एंड प्लीज़ बैकग्राउंड इग्नोर कर देना, क्योंकि मैंने ये पूरा वीडियो शूट करने के बाद इंट्रो शूट किया था, कि मुझे याद आया कि मैंने इंट्रो शूट नहीं किया है, तो इसीलिए। और यहाँ पे मैं आपको अपने अंकल से मिलवाऊंगी, उनकी फैमिली से मिलवाऊंगी, कुछ अपने दोस्तों से भी मिलवाऊंगी जिन्होंने जागरण रखवाया हुआ था। तो ये था एंट्रेंस का डेकोर, और बहुत ही ब्यूटीफुली सजा हुआ था, और कुछ फ्लावर्स, और अंदर की साइड था जागरण, और यहाँ पे ना ज्योति प्रज्वलित की जा रही थी जागरण शुरू करने से पहले। तो ये अंकल है हमारी, दीदी है, आंटी है, और ये मेरा छोटा भाई। और तो खाना ये थे, ये खाना। है मेरे कुछ अच्छे अच्छे से क्यूट बचपन, छोटे छोटे से दोस्त। तो आप भी जागरण को एंजॉय करना, और आई होप आपको ये बहुत ही अच्छा लगे वीडियो। किसी कथा के अंदर ही आता है भक्तों, अगर आप लोगों ने कथा को ध्यान से सुन लिया ना भक्तों, तो आप माँ भगवती के जागरण के पहाड़ से सुनेगा। आप सब भक्तों पर ही भक्तों, माँ भगवती ने अपनी विशेष कृपा रखी है, जो इस समय इस चौथे पैर बैठकर इस कथा को सुन रहे हैं। क्योंकि भक्तों, रात्रि के इस चौथे पैर में माँ भगवती देवी माँ सिर्फ अपने उन्हीं बच्चों को, अपने सिर्फ उन्हीं भक्तों को अपने इस सुनहरे आंगन में बैठने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है भक्तों, जिन भक्तों पर वो अपनी विशेष कृपा रखती। बस इस चौथे घर में वही भक्त उपस्थित हो सके। तेरा जागा संपन्न हो गया अबे मां। यहाँ पे लास्ट में कथा थी, और कथा के बाद ये जागरण पूरा खत्म हुआ, उसके बाद हमने ये गेम खेला। आपको अगर जागरण ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।